खैर दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्पोर्ट्स चैनल पे। आज मैं आपको बीबीएसएल की टीम दूंगा, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर की। दोस्तों सिडनी सिक्सर बीबीएसएल में रैंकिंग चल रही है, 3 रैंकिंग चल रही है 3 पे है। 12 मैच के लिए 7 विन की है, 5 लॉस की है। और वहीं सिडनी थंडर उसने भी 12 मैच खेला है और इसमें उसने 5 जीते हैं, 6 हारे हैं और 1 ड्रॉ है। ड्रॉ क्या मतलब, 1 पॉइंट मिल गया, फ्री में मिल गया है। मुझे नहीं लगता कोई चेंज होना चाहिए, जो पिछले मैच था प्लेइंग 11 वही है, स्क्वाड भी वही है और प्लेइंग 11 सेम होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, मैं टीम बनाई है। और तो विकेट में 2 ही ऑप्शन है, जेम्स फिलिप्स एंड हॉल्ट है, तो ही दो ही ऑप्शन है। बाकी पीटर नेविल, नडेल्टन, मैथ्यू किंग्स। फिलिप्स ओपनिंग करता टीम की ओर से, आप लेना चाहे ले सकते हैं। बस पिछला मैच थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, बाकी उनके परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस का बताता कितने अच्छे प्लेयर हैं। हॉल का बैटिंग और 6 है, आप 6 पर बैटिंग किया था, पिछले मैच 37 रन मारे थे और कुछ कैच लिए थे, इसलिए पॉइंट 38 पॉइंट मिला था, 38 पॉइंट मिला इनको। आप लेना चाह सकते हैं, 6 नंबर बैटिंग करना है, लेकिन मैं थोड़ा बैटिंग ऑर्डर के हिसाब जा रहा हूँ। जॉन्स फिलिप आएंगे ओपनिंग करेंगे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बैटिंग में मैंने शेन वाटसन को लिया है, अगर आप शेन वाटसन नहीं लेना चाहते मत लीजिए, कोई बात नहीं। आप जो वाटसन को ले लीजिए, उनका बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में 5-6 नंबर पर है, उनको ले सकते हैं आप। उसमें खजा नहीं खेलेंगे, उनको मत लीजिए। जेम्स फिलिप्स जो 3 नंबर बैटिंग करेंगे, डेनिस ओपनिंग करेंगे, करंट फर्गुसन 3 नंबर बैटिंग करेंगे, आप इनको ले सकते हैं। मैंने 3 नंबर को ले लिया, 3 नंबर बेस्ट है, आप परफॉर्म एक अच्छा कर रहे हैं। आप पैटरसन नहीं खेलेगा और आप जिसने पिछला मैच ओपनिंग कराया गया था, एंटोन डोमिस को नहीं खेलाया गया था ओपनिंग, उनको 4 नंबर भेजा गया था और उनके बदले जिस संघ को ओपनिंग कराया था, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, 2 रन पे ही आउट हो गए। जेक वाट इनका भी ओपनिंग डोपिंग नहीं करते, सर मिनिलोन बैटिंग करेंगे और परफॉर्म कुछ कर नहीं पाया। आप ट्राई ग्रैंड नहीं भी कीजिए, स्मॉल नहीं तो मत कर दीजिए, बाकी दोनों नहीं खेलेंगे तो किसी मत पर कीजिएगा। अब देख ली, मैंने बेस्ट बैट्समैन को ले लिया है, वाटसन को लिया है, विंस को लिया है एंड डेल को लिया है एंड कैलम फर्गुसन को लिया है। अब पता ही कैलम में भी पिछले मैच में 100 मारा एंड वाटसन ने इस सीज़न में वो 100 मार चुका है। सबका मिला वाला परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस सब कर रहे हैं। ऑलराउंडर बात करें, ऑलराउंडर में बेस्ट ऑलराउंडर पिक कर लिया जो हेनरिक्स, अब फॉर्म आ चुके हैं। शुरू के मैच में इस फॉर्म में नहीं था, अब फॉर्म आ चुके हैं। कभी बॉलिंग करते लेकिन पिछले मैच बॉल नहीं किया था एंड टॉप कॉर्नर और डेट थे, वो बॉलिंग करते हैं और बैटिंग 6-7 पे करते हैं। डेनिसन वही 6-7 बैटिंग करेंगे और बॉलिंग करेंगे, अब विकेट लगातार ले रहे, इसलिए मैं तीनों को ले रहा हूँ। और बात करें, आप एक और ऑप्शन है, आप एंटन डबिज को ले सकते हैं, पिछले मैच 4 ओवर बॉलिंग किया था, 4 पे नंबर बैटिंग किया था, अर्जुन आयर को ले सकते हैं और बैटिंग बॉलिंग भी करते हैं पार्ट टाइम एंडन डेविच, और फैंस नहीं खेलेगा और नाखन वगैरह ये भी रिस्क हो सकता है। बॉलिंग बात करें, बॉलिंग बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जैसे ओकीप, आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, पर मैच में एक विकेट तो कन्फर्म रहता है, लेते ही हैं, निकाल लेते हैं विकेट कैसे ना कैसे। नाखन तो खेलेगा नहीं, आपको लेना चाह ले सकते हैं, लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने एबॉट को लिया, जो भी देते हैं बॉलिंग करेंगे, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, लगातार बॉलिंग निकालते जा रहे हैं, इनको लेना बनता है, इनको इस मॉडलिंग में मस्ट पिक करना है। पैट कमिंस ये तो नहीं खेलेगा, इनको मत पिक कीजिएगा। जॉर्डन पिछले में 2 विकेट लिया था, आप लेना चले सकते हैं। बेन डॉन पिछले में 3 विकेट लिया था और लेना चले सकते हैं। गुणेंद्र संधू भी पिछला मैच विकेट लिया, लेकिन अच्छा प्लेयर है, विकेट लगाता बस शायद पिछला मैच विकेट नहीं लिया था, आप देख सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेना चले सकते हैं। क्रिस गेल 6 नंबर बैटिंग करने आएगा, बॉलिंग भी करते हैं, आप लेना चले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा सिर्फ क्रेडिट कारण। और आप यहां से मैंने जोनाथन कुक को लिया है, पिछला मैच खिलाया गया था, इनको 2 विकेट लिया था, आप लेना इनको लेना चाहिए भी ले सकते हैं, मैं इनको जा रहा हूं, क्योंकि मैं अगर आप जोनाथन कुक को नहीं लेना चाहते, आपको यहाँ क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करना होगा, तो आपको यहाँ से वाटसन हटा के कुछ दूसरे प्लेयर को लेना होगा, जैसे सेंट जोसेफ संघ जो पिछले मैच ओपनिंग कर सकते हैं किए थे, इस मैच में ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सेंट वाटसन को, यहाँ से मैं जा रहा हूँ जोनाथन कुक के साथ जा रहा हूँ। पोपी हल्के रिस्की हो सकते हैं, पोप एंड बेन में से ये दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, तो मुझे लग रहा है, तो इनको मत पिक करना। बाकी और कोई अच्छे पिक नहीं रहे, किसी को मत पिक कीजिएगा, मैं बता दिया। आप क्रिस ग्रीन को ही ले सकते हैं एंड गुरेंद्र संधू इनको ले सकते हैं, बेन को ले सकते हैं, जॉर्डन को ले सकते हैं, एबॉट को ले सकते हैं। प्रीव्यू देख लीजिए, कैप्टन बताया था ना, मैंने बनाया मोसन हेनरिक्स को एंड वाइस को बनाया शेन वाटसन को, आपके पास अच्छे ऑप्शन अच्छे है, कैलम है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात डेनिस होम्स है, टॉम कुरान है, सिनेबॉट है, आप जिनको लेना है उनको लेना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा जा रहा हूँ शेन वाटसन और मोसन के साथ।
कैप्टन के वाइस कैप्टन आपका जो दिल करे वह लीजिए, मेरा पास ज़्यादा मैं सब गाइड कर रहा हूँ दोस्तों। आप सी आप न्यूज बता रहा हूँ कौन खेल जाता कौन नहीं खेल रहा, आप कौन बेस्ट प्लेयर परफॉर्म चल रहा है वही बता रहा हूँ, वही बोल रहा है। जिसका लक अच्छा होता है वही जीतता है विन करता है, लक मैटर करता है, फैंटेसी साइड है भाई, लक तो मैटर करेगा ही। इसलिए आप कैप्टन वाइस किसी को बना सकते, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, केलम है, डेनिस होम्स है, टॉम कुरान है एंड डेनियल हुज है भाई, एंड बस यही सब ऑप्शन है। लेकिन मैं जा रहा हूँ हनिक्स एंड वाटसन साथ जा रहा हूँ, तो ये टीम मैंने सी टीम सेव कर लिया। चलिए बात कर लेते प्ले स्पॉट टीम की, बात कर लेते दोस्तों। दोस्तों जिसने प्ले स्पॉट खेलना स्टार्ट नहीं किया खेल सकता, काफ़ी अच्छा ऐप है। यहाँ सबसे बड़ी बात है यहाँ 100% आपको बोनस यूज़ करने मिलता है, सबसे बड़ी यही बात है 100% ऐसा कोई ऐप नहीं जो 100% बोनस यूज़ करने देता है। और एक और ख़ास बात है कि दोस्तों यहाँ अगर फ्री में 100 रुपीज़ खेलने मिल रहा है, आप 100 रुपीज़ लेना चाहते हैं फ्री में तब आराम से खेल सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, आप रेफरल कोड यूज़ करके मेरा आप बोनस ले सकते हैं। अगर विदाउट रेफरल कोड यूज़ करके आप बोनस मतलब रजिस्टर कीजिएगा प्लेस बनता आपको बोनस नहीं मिल पाएगा। तो ये और यहाँ एक और बात, पेटीएम में विड्रॉ हो जाता है विद इन सेकेंड हो जाता है, अगर पैन कार्ड नहीं है फिर भी हो जाएगा, लेकिन अगर बैंक अकाउंट विड्रॉ चाहते हैं उसके लिए पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा दोस्तों। चलिए जाए यहाँ एक और बात, कंपटीशन काफ़ी लो है यहाँ, अच्छा विनिंग होती है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी लो है। आपको अपनी विनिंग दिखाया था कल की, देख ली साथ मैंने आपको टीम दी थी, आराम से मैं विन कर गया 150 रुपीज़ टी सी लगाया था। और आपको दिखाया था आपकी इसमें मैंने आराम से विन करके आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ 130 विन करके। एक और लाता मैं देख सकते एक भी मैच नहीं हार रहा हूँ आप देख सकते हैं, मैं सारे विन करके आप देख लीजिए, मैंने सब ये भी विन किया, आप पाक वुमन इसमें भी विन किया आप देख सकते हैं, सारे विन किया, इनको बढ़िया काबिल है आप आराम से विन कर सकते हैं। चलिए टीम की बात कर लेते हैं, तो विकेट में दो ही ऑप्शन है, मैं लूँगा वो कहाँ गए वेज फिलिप, आई थिंक फिलिप, तो यहाँ हॉल्टी ऑप्शन है जो सेफ है, तो मैं हॉल्ट को जाइए विकेट वहीं से ऑप्शन है, बाकी कोई तो खेलेगा तो किनको लेंगे लेना ही नहीं है इन दोनों तीनों को सचारों को। ऑलराउंडर बात करें ऑलराउंडर में डेनियल होम्स है एंड टॉम कुरान है, एंड अभी के लिए डेनियल होम्स एंड टॉम कुरान को ही रखते हैं, आप चाहे एंड्रॉन डेविस रख सकते हैं, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे। बैटिंग की बात करें कैलम फर्गसन को लेना बनता ही है, एंड शेन वाटसन को लेना बनता है, एंड डेनियल होम्स को लेना बनता है, जेम्सन को लेना बनता है, जॉस फिलिप अब इनको लेना बनता है, तो इनको लेना बनता ही है। देखिए मैंने मोजे हेनरी को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप जॉस फिलिप नहीं जाता आराम से मोजे हेनरी को ले लीजिए। और आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब जाना चाहते हैं जो जॉस फिलिप ओपनिंग करेंगे तो आप ले सकते हैं, जो मोनिस हेनरिक्स आएंगे बेचारा बैटिंग करने आएंगे तो आप जिनको लेना चाह सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ हेनरिक्स के साथ। बॉलिंग बात करें बॉलिंग में मैं जाऊँगा फवाद अहमद के साथ जाऊँगा, एंड जाऊँगा मैं सीन एबॉट, और बचे 9.9.5 क्रेडिट, तो एक और प्लेयर लेना है बॉलर, तो यहाँ से आप क्रिस गेल को ले सकते हैं, क्रिस जॉर्डन है एंड जोनाथन कुक है, गुंदर संधु है एंड बेन है, तो आप जिनको चाहें उनको ले सकते हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा ओकीप के साथ जाऊँगा जो पर मैच विकेट लेते ही रहते हैं, तो इनके साथ जा रहा हूँ। कैप्टन मेरे वही सेम रहेंगे, वाइस कैप्टन बेन रहेंगे, डिस्टन वाटसन रहेंगे। मैं आप चाहें डेनियल होम्स को कैप्टन वाइस को जरूर बना सकते हैं, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट निकाल रहे हैं, आप चाहें ले सकते हैं। चलिए मैं इसमें प्लेस वोट में डेनियल होम्स को वाइस कैप्टन बना देता हूँ, हेनरिस को कैप्टन बना देता हूँ, ये मैंने सिर्फ टीम सिप कर लिया दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद लाइक करना ना भूलें और शेयर करना चैनल शेयर कर दिए दोस्तों, और आपको कुछ प्लेयर पसंद प्लेस वोट में खेलने में परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों अगर किसी को एनबी और फुटबॉल की टीम चाहिए तो मैं वो भी देता हूँ बिल्कुल फ्री को दोस्तों, अपनी विनिंग शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक की विनिंग।